नमस्कार दोस्तों, मिस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों में MBT CET के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और अकॉर्डिंगली हमारे दिमाग में MBA एडमिशन्स के बारे में ख्याल आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है MBA हमें करना है, तो MBA कहाँ से कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और MBA करते समय हमारे जो भी परसेंटाइल्स आते हैं, मार्क्स आते हैं CET के, वो भी सारे काफ़ी मैटर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के कौन से टॉप मोस्ट 10 कॉलेजेस हैं जहाँ से हमें MBA करना अच्छा लगेगा और MBA करना हम प्रेफर करेंगे। तो उन 5 और 10 MBA कॉलेजेस के बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है, पिछले एक वीक से हम करियर के बारे में सोच रहे हैं और करियर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, और इन वीडियो में मैं आपको अलग अलग करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछला जो हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने देखा है कि MBA करते समय कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस होते हैं और MBA करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेना है। MBA का CET का रिजल्ट जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, मगर जब भी हम MBA एडमिशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में ये होता है कि मुझे कहाँ से MBA करना है, इंडिया का कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ से मुझे MBA करना है ताकि मुझे MBA के बाद तुरंत प्लेसमेंट मिले। MBA कॉलेज के बारे में हम क्यों सोचते हैं? ताकि प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। तो प्लेसमेंट और MBA कॉलेज एक काफ़ी तगड़ा इक्वेशन है और उस इक्वेशन के बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमिक इनसाइट्स। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मेरा एकेडमिक इनसाइट चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ताकि और एक बार चीज़ है, वो चीज़ ऐसी है कि जो भी वहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो इसी प्रकार के वीडियोस आपको अपने आप उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में अगर मैं भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि और उसके बाद वीडियो शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम इस वीडियो को और अच्छे तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जहां से हम MBA कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि MBA और जहां से आप MBA कर रहे हो काफ़ी मायने रखता है। MBA डिग्री नो डाउट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है, आपको एक अच्छी लेवल पर ले जाएगा। और मुझे आपको ये बोलना है कि आप MBA कर रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, मगर आप कहाँ से MBA कर रहे हो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी मायने रखता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के टॉप मोस्ट 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस जहाँ से हम MBA कर सकते हैं, जहाँ से हम MBA करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो वो 10 कॉलेजेस जिसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे देखने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि कौन से वो 10 कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA करेंगे और MBA करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो आज हम देखेंगे वो कौन से 10 कॉलेजेस हैं जहाँ से हम अपना MBA कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन 10 कॉलेजेस में से हम MBA करेंगे तो काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट हमें मिल सकता है, काफ़ी तगड़ा जॉब हमें मिल सकता है, साथ में एक तगड़ा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो ये 10 कॉलेजेस हैं, ये अगर इस 10 कॉलेजेस में से हम MBA करेंगे तो काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आई रिपीट दिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें कोई भी ऐसा आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो पहला कॉलेज है IIM अहमदाबाद, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से ये काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA करेंगे तो काफ़ी अच्छा करियर रहेगा, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहेगा। तीसरा कॉलेज है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। JBIMS मुंबई, TISS जिसको हम टिस बोलते हैं, टाटा का इंस्टीट्यूट है, वो भी मुंबई में है। SIBM जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वो पुणे में है। देन SJMSOM IIT बॉम्बे का ये कॉलेज है। NITIE मुंबई, ये मुंबई में है।
NMIMS मुंबई, देन MICA अहमदाबाद, ये जो 10 कॉलेजेस हैं जो MBA के लिए काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं इंडिया में एज़ फार एज़ 2021 रैंकिंग के हिसाब से हम देखेंगे, 2021 के रैंकिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो ये वेस्टर्न जोन के 10 पॉपुलर कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA कर सकते हैं, और जहाँ से हम MBA करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छा करियर भी होगा। मगर आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है, आपको अगर लगता है कि मुझे इस 10 में से एक कॉलेज में एडमिशन मिले तो हमें अच्छे काफ़ी अच्छे MBA सीट में मार्क्स आना भी ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा परसेंटाइल होना भी ज़रूरी है, तभी हमें वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, बाकी के कॉलेजेस भी अच्छे हैं, मगर 2021 के हिसाब से इंडिया में यस 10 कॉलेजेस को काफ़ी अच्छा रैंकिंग दिया है बेस्ड ऑन द कुलम दे टॉट, वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो भी प्लेसमेंट किया जाता है उसके हिसाब से ये रैंकिंग किया गया है। और ये 10 कॉलेजेस इंडिया के टॉप मोस्ट MBA कॉलेजेस हैं। अगर आपको MBA करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला है, आपका MBA का डिग्री और MBA का कॉलेज दोनों ही मैटर करते हैं जब आप प्लेसमेंट में जाते हो। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको पढ़ते समय ही प्लेसमेंट, इन कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 MBA कॉलेजेस जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं 2021 के रैंकिंग के हिसाब से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो प्रेस आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक करो, साथ ही ये वीडियो आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी इसको बेनिफिट मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि हम फ्यूचर में आगे जाके इसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।